मूवी बैच में आज आप देखेंगे टॉप 10 बेस्ट हॉट वेब सीरीज, जिसमें डार्क डिजायर सीरीज की तरह काफी सारे हॉट एंड इरोटिक सीन्स आपको दिख जाएंगे। तो दोस्तों ये होगा पार्ट 3 वीडियो। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डालते रहते हैं, वहाँ पे भी जरूर फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। नंबर 10, कहानी है एक यंग एरोगेंट फाइटर पायलट की, जिसको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलता है 24 घंटे के लिए आउटर स्पेस में जाने का रशियन कैप्सूल में। वो एक लड़की से बहुत प्यार करता है, लेकिन लड़की उसके दोस्त से प्यार करती है। इस प्राइवेट एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा होता है कि कैप्सूल की टाइमिंग एक्सीडेंटली 30 इयर्स के लिए सेट हो जाती है। अब 2052 का समय आ चुका है और ये लड़की अब उसके दोस्त की वाइफ है और उनकी एक डॉटर भी है। कैसे भी करके ये लड़का वापस प्रेजेंट में आता है और कैसे वो अपने लव को हासिल करता है, ये सब देखिए इस सीरीज में, जिसका नाम है अ गर्ल एंड अ एस्ट्रोनॉट, जो कि आई थी 2023 में। पोलैंड की ये साईफाई रोमांटिक ड्रामा सीरीज है। इसका एक सीजन आया और 6 एपिसोड। एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी और स्टोरी लाइन की तारीफ बहुत लोगों ने की है दोस्तों। भाई साहब, न्यूड और लव मेकिंग सीन्स बहुत ओपनली शूट हुए हैं। डार्क डिजायर वाली वाइब आपको जरूर आएगी और इसे आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में। नंबर 9, ये एक ब्राजीलियन शो है जो एक लेडी के अराउंड रिवॉल्व होती है। ये लेडी एक हाईली स्किल्ड हैकर है जो अपने नेबर पे स्पाइक करती है। उसकी नेबर प्रोस्टिट्यूट है और ये दोनों कैजुअल फ्रेंड्स भी हैं। प्रोस्टिट्यूट अपने क्लाइंट्स को खुश करती है और ये सारा कुछ देखती है। एक दिन प्रोस्टिट्यूट अपने पेट को उसके पास रख कर जाती है, लेकिन जल्द ये फेवर उसके लिए ट्रबल लाता है जब एक मर्डर का इल्जाम इस पे लगता है। सीरीज का नाम है लेडी वेयर, जो कि आई थी 2023 में। तो दोस्तों इस सीरीज का एक सीजन आया है और है 10 एपिसोड। बढ़िया ड्रामा के साथ दिखेगा मिस्ट्री और कहीं कहीं थ्रिलर भी। सीरीज का सीरियस टोन स्टार्ट से बना रहता है। डार्क डिजायर सीरीज की तरह बहुत ही धांसू लव मेकिंग सीन्स हैं दोस्तों, जो अच्छे लंबे शॉट्स के हैं। आईएमडीबी रेटिंग है 5.1 और इसे आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में। नंबर 8, ये कहानी है 1520 की, जहां लंदन का किंग फ्रांस की लड़की से शादी करने के लिए अपनी क्वीन तक को तलाक दे देता है। इस फ्रांस की खूबसूरत लड़की को किंग के अलावा कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, फिर भी किंग सबके अगेंस्ट जाके अपने प्यार और इस लड़की को प्रोटेक्ट करता है। सीरीज का नाम है ब्लड सेक्स एंड रॉयल्टी, जो की आई थी 2022 में। तो दोस्तों इसका एक सीजन आया है और है 3 एपिसोड। ये ना ही टिपिकल सीरीज है और ना ही प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्री। हिस्ट्री और मॉडर्न टाइम का एक अच्छा खासा मिक्स है। एक्टिंग और कहानी दोनों बढ़िया है। प्रॉपर न्यूड सीन्स हैं दोस्तों, मजे आ जाएंगे आपको। हॉटनेस डार्क डिजायर के लेवल को टच करती है। आईएमडीबी रेटिंग है 5.9। अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर और इसे आप देख सकते हो हिंदी में। नंबर 7, सोशल कनेक्टिंग ऐप की डेवलपर है एक लड़की। उसके खुद के ज्यादा फ्रेंड्स तो नहीं है। इस ऐप से लोग सोशली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ट्विस्ट तब आता है जब किसी का मर्डर हो जाता है और इस ऐप की इन्वॉल्वमेंट सामने आती है। ऐप का आर्किटेक्चरल डिजाइनर का नाम सबके सामने आता है। उसने सबसे कुछ तो हाइड किया हुआ है, लेकिन सच का पता लगाना बहुत मुश्किल है। ऐप की डेवलपर और उसकी दोस्त खूनी का पता करना चाहते हैं। सीरीज का नाम है समबडी, जो की थी 2022 में। तो दोस्तों ये साउथ कोरियन थ्रिलर सीरीज है, जिसका एक सीजन आया है और है 8 एपिसोड्स। प्लॉट वेल थॉट और कहानी वेल रिटन है। इसको जस्टिफाई किया है कास्ट की एक्टिंग ने और माहौल को गर्म किया है इसके हॉट सीन्स ने। डार्क डिजायर सीरीज के जैसे लव मेकिंग और न्यूड सीन्स आप इसमें देख पाओगे। आईएमडीबी रेटिंग है 6। अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे और आप इसे देख सकते हो हिंदी में। नंबर 6, एक लड़की अपने ड्रीम को पूरा और फिल्म मेकिंग में करियर बनाने के लिए घर छोड़कर जाती है मैड्रिड। वहाँ एक पार्टी के दौरान उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से, जो अट्रैक्टिव लॉ स्टूडेंट है। वो उसको अपने फिल्म में कास्ट करती है। लव इंटरेस्ट भी डेवलप होता है दोनों के बीच। सब कुछ सही लगता है लड़की की लाइफ में, लेकिन इस लड़की के प्लान्स कुछ और ही हैं। जानने के लिए देखिए ये सीरीज, जिसका नाम है इन लव ऑल ओवर अगेन, जो की आई थी 2023 में। तो दोस्तों इसका एक सीजन आया है जिसमें है 8 एपिसोड्स। हल्की कॉमेडी के साथ ड्रामा और भरपूर रोमांस दिखेगा। कहानी का प्लॉट बहुत ही बढ़िया और साथ ही कास्ट ने भी अच्छा काम किया है। बहुत ज्यादा हॉट न्यूड सीन्स आपको दिखेंगे। डार्क डिजायर की तरह इसमें काफी सारे इरोटिक मोमेंट्स आप इसमें देख पाओगे। आईएमडीबी रेटिंग है 6.2। अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे और आप इसे देख सकते हो इंग्लिश में।
नंबर 5, कहानी रिवॉल्व होती है एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट के अराउंड, जिसे एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये शॉकिंग बात पता लगती है कि डेड बॉडी की शक्ल बिल्कुल उसके जैसी है और वो खुद की आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस का पता करने की जर्नी पे निकल पड़ती है। जैसे जैसे उसे सवालों के जवाब मिलते हैं, झूठ और सीक्रेट्स का जाल उसके सामने आता है। सीरीज का नाम है ट्रिप्टिक, जो कि आई थी 2023 में। इसका एक सीजन आया है और इसमें है 8 एपिसोड। ड्रामा मिस्ट्री के साथ थ्रिल का एंगल ऐड होने से कहानी बहुत इंटरेस्टिंग बनती है। सीरीज का प्लॉट बहुत डिफरेंट है, जिसे ऑडियंस ने रीवॉच भी किया है कई बार। डार्क डिजायर की हॉटनेस को मिस आप नहीं करोगे। पोल डांस, बिकनी और लेस्बियन मेकआउट सीन्स के साथ रोमांटिक सीन्स आप इसमें देखोगे। IMDb रेटिंग है 6.3। अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे और आप इसे देख सकते हो हिंदी में। नंबर 4, कहानी सेट है 90s में। एक वेल टू डू फैमिली में 15 साल की लड़की है। जैसे जैसे वो चाइल्डहुड से एडोलेसेंस की तरफ बढ़ती है, वो अपने रिच पेरेंट्स से ज्यादा अपनी आंट से क्लोज होती जाती है। वो अपनी फैमिली की आइडेंटिटी नहीं बनना चाहती। अपने आंट के साथ रहने और बातें शेयर करने के बाद उसे अपनी फैमिली के कुछ मिस्टीरियस पास्ट और अनस्पोकन सीक्रेट्स के बारे में पता लगता है। सीरीज का नाम है द लाइंग लाइफ ऑफ एडल्ट्स, जो की थी 2023 में। तो दोस्तों, ये इटालियन कमिंग ऑफ एज ड्रामा सीरीज है। इसका एक सीजन आया है जिसमें है 6 एपिसोड। मेन लीड ने अपनी एक्टिंग से कहानी में जान डाल दी है। कहानी टाइट है और हार्डली कहीं पे लूज एंड है। हॉट और न्यूडिटी के सीन्स आपको डार्क डिजायर की फील जरूर देगी। IMDb रेटिंग है 6.4। अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे और आप इसे देख सकते हो इंग्लिश में। नंबर 3, ये सीरीज की कहानी हमारी आज की दुनिया की है, लेकिन नेचर के एक ट्विस्ट के साथ। अचानक से दुनिया की सारी टीनेज गर्ल्स में इलेक्ट्रिक पावर्स आ जाती हैं। ये ऐसी पावर्स हैं जो उनसे कोई नहीं ले सकता। वो अपने फिंगर टिप्स का यूज करके इलेक्ट्रिक जॉल्ट्स के जरिए किसी को भी मार सकती हैं। उन्हें ये भी पता लगता है कि वो ये पावर ओल्डर वुमेन में ट्रांसफर कर सकती हैं और बहुत जल्द दुनिया की सारी फीमेल्स के पास ये पावर आ चुकी हैं। सीरीज का नाम है दी पावर, जो कि आई थी 2023 में। इसका एक सीजन आया है जिसमें है 9 एपिसोड। तो दोस्तों, ये यूनिक कॉन्सेप्ट है और वेरी वेल एग्जीक्यूटेड भी। कास्ट की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है। इसमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स काफी ज्यादा बिलीवेबल लगते हैं। लव मेकिंग और हॉट सीन्स भी दिखेंगे जो डार्क डिजायर के लेवल को मैच करते हैं। किसिंग सीन्स बहुत ज्यादा है दोस्तों। IMDb रेटिंग है 6.6। अवेलेबल है प्राइम वीडियो पे और आप इसे देख सकते हो हिंदी में। नंबर 2, ये एक सटायरिकल कॉमेडी सीरीज है दोस्तों, जिसमें एक यंग वुमेन ऑब्सेस्ड है एक पॉप स्टार के लिए। इस पॉप स्टार का फैन बेस बहुत बड़ा है, काफी पॉपुलर है ये। ऐसे में ये खुद को इस पॉप स्टार का सबसे बड़ा फैन मानती है। इसका ये ऑब्सेशन काफी डार्क ट्विस्ट लेके आता है और काफी ऐसे टर्न्स आते हैं जिसको देख के आप शॉक हो जाओगे। सीरीज में कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कहानी में लड़की अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करती है। सीरीज का नाम है स्वॉर्म, जो कि आई थी 2023 में। इसका एक सीजन आया है जिसमें 7 एपिसोड। बहुत ही वेल रिटन सीरीज है। इसकी एंडिंग तो भाई काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड, हर एक एपिसोड में सस्पेंस बना रहता है। एक आर्टिस्ट और एक फैन की कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। न्यूड सीन्स तो भाई काफी सारे हैं। IMDb रेटिंग है 7.1 और ये अवेलेबल है प्राइम वीडियो पे और आप इसे देख सकते हो हिंदी में। नंबर 1, इटली की एक ब्रेव लेडी जो हार नहीं मानती और मर्दों की दुनिया में डट के मुकाबला करती है। वो इटली की फर्स्ट क्वालिफाइड लॉयर बनती है, लेकिन इस रास्ते में सिर्फ मुश्किलें हैं। उसको लॉ प्रैक्टिस करने से बैन कर दिया जाता है क्योंकि वो एक वुमेन है, लेकिन फिर भी वो खुद को मोटिवेट करती रहती है और मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करती है। कैसे वो अपने सपनों को पूरा करती है जानने के लिए देखिए ये सीरीज, जिसका नाम है द लॉ अकॉर्डिंग टू लीडिया पोएट, जो कि आई थी 2023 में। इसका एक सीजन आया है जिसमें 6 एपिसोड। ये एक पीरियड मास्टरपीस है दोस्तों, जिसमें एक्टिंग हाई क्लास। बात की जाए सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन वैल्यू, सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम, सब कुछ ऑन पॉइंट है। बायोग्राफी है तो कहानी को एक रियल टच भी देने की कोशिश की गई है। IMDb रेटिंग है 7.4। अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे और आप इसे देख सकते हो इंग्लिश में। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सी वीडियोस आप देखना चाहोगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल मूवी बैच को सब्सक्राइब जरूर करें।